हेलो एंड वेलकम बैक टू मॉम्स मैजिक बाय अंजना। तो इन सीज़न हमें मिल रहा है पका आम, और पका आम खा खा कर तो अब लोग बोर हो जाते हैं। तो बोर होने से अच्छा है कि चलिए इस पके आम से कुछ बेहतरीन रेसिपी ट्राई किया जाए। आज मैं आपके साथ बिना घी बिना ऑयल के इतना टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे रेसिपीज अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पके आम लिए हैं। अब देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, इस पके आम को मैं कुछ इस तरह से कट कर ली हूँ। ब्लेंडर में इसे डालकर जो है अभी इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। उससे पहले मैं इसमें एक कप चीनी भी ऐड कर दूंगी। वैसे तो आम मीठा होता है, पर थोड़ा सा चीनी ऐड कर दीजिए, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाएगा, क्योंकि आगे भी हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसको इस तरह से मैंने पीस लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे पैन में बिना ऑयल डाले या बिना घी डाले बस डायरेक्ट मैंगो प्यूरी इसमें ऐड करने वाली हूँ। ये ध्यान रखें कि आप प्यूरी ऐड कर रहे हो तो इसको कंटिन्यूअस चलाते हुए कुक करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल और घी का यूज़ नहीं करा है, तो इसलिए ये जल सकता है। तो देखिए इस तरह से कंटिन्यूअस चला रही हूँ, और इस तरह से हमें चलाते हुए कुक करना है जब तक कि प्यूरी हल्का हल्का ड्राई ना होने लगे, मतलब इसका पानी हल्का हल्का कम ना होने लगे, तब तक इसे हमें चलाते हुए कुक करते रहना है। तो देखिए इस तरह से मैं चला रही हूँ और इस तरह से मैं कुक कर रही हूँ। फ्लेम हमारा रहेगा मीडियम। तो देखिए इस तरह से चलाते चलाते कुक करते करते आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से हल्का हल्का प्यूरी ड्राई होने लगा है। तो देखिए इस तरह से मैं चला रही हूँ, और अब इसमें इसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए मैं कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दिया एक कप, इससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। डेसिकेटेड कोकोनट में वैसे भी फैट कंटेंट होता है, तो इसमें हमें ऑयल और घी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से चलाते हुए इसे कुक कर लेंगे। तो देखिए जब इस तरह से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होने लगे, तब इसमें मैं एक और इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं चला रही हूँ, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया मिल्क पाउडर। अगर आपके पास डेरी वाइटनर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, मिल्क पाउडर से बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। खोआ है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मिल्क पाउडर डालकर इसे मिक्स करते हुए हमें कुक करना है। मिल्क पाउडर से इसका टेस्ट एकदम मावे जैसा हो जाता है, तो बिना मावा के भी आप मिल्क पाउडर यूज करते हुए बहुत ही टेस्टी पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मिक्स कर लीजिए, और ये देखिए इस तरह से हमें कुक करना है जब तक कि ये पैन ना छोड़ने लगे। तो देखिए इस तरह से मैं कंटिन्यूअस चला रही हूँ, बस ये ध्यान रखें कि आप कंटिन्यूअस चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करें, और इसको कुक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 10 से 15 मिनट लगेगा। ये देखिए धीरे धीरे ये पैन छोड़ने लगा है। तो देखिए जब हमें पैन छोड़ने लगे तो कैसे हम चेक करेंगे, थोड़ा सा लेंगे इसके गोल बॉल्स बनाएंगे, और जब गोल बॉल बनने लगे तो समझ जाइए कि ये कुक होके रेडी है। ये देखिए अब पैन छोड़ने लगा है, तो मैं बॉल बना के चेक कर ले रही हूँ। ये देखिए ये कुक होके रेडी है, इसे निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसे निकाल ले रही हूँ, और इसे ठंडा करने के बाद इसके गोल बॉल्स बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसके गोल बॉल्स बना ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने गोल बॉल्स बना लिए। अब क्या करूँगी, ये देखिए हल्का सा मैं इस तरह से प्रेस कर रही हूँ सेंटर में, और यहाँ पे मैं पिस्ता के कतरन लगा दूंगी। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली भी ऐसे प्रेस करके एकदम फ्लैट पेड़े तरह से तैयार कर सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे गोल बॉल्स बना के उस पर ड्राई फ्रूट्स लगाती, इससे देखने में और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा। और ये देखिए हमारी मिठाई बन के तैयार है। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करें, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।